कैंपस टूर में हमने यहाँ तक कवर किया था। इधर से आगे मैकलॉन है और हम जा रहे हैं बैक गेट की ओर। बैक गेट से निकलते वक्त यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करना होता है, नहीं तो आईडी कार्ड सबमिट करना होता है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी वाले भैया इसी प्लेस पे मिलेंगे आपको। चलते के साथ यूनियन बैंक का एटीएम है, देन यूनियन बैंक है और उसके साइड में पोस्ट ऑफिस है। गेट पे आपको कुछ इस तरह के फ़ोटोज मिल जाएंगे जो कि हर वक्त नहीं होता बट मिल जाता है कभी कभी, जो कि 30-40 रुपीज़ में मिलता है। पानीपुरी की दुकान मिल जाएगी, उसके ठीक बगल में गर्मा गर्म पराठे मिल जाएंगे खाने को, उसके साइड में एक स्टेशनरी है, फिर एक समोसे और नाश्ता का शॉप है और इसके ऊपर रेस्ट्रो 77 है, यहाँ पे एक वेल डेकोरेटेड रूफटॉप भी है। चलते हैं जनरल स्टोर में जो कि बैक गेट के ठीक सीधे है। आपको लिंक भेज देंगे जब से। गेट से सीधे निकलोगे तो एक मेडिसिन का शॉप है, उसके साइड पे एक मेंस सैलून है। इससे आगे जाकर एक और पानी पूरी का दुकान मिल जाएगा। ये एक चाय का दुकान है जहां हम लोग थोड़ा अंदर गए और बिना चाय पिए लौट आए। नेक्स्ट शॉप भी समोसे का है, जहां पे चाट वगैरह मिल जाएगा। ये सेकंड जनरल स्टोर है। लोगों ने देखा कि अंदर वाले भैया को बड़ा इंटरेस्ट था हम लोगों से बात। बगल में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का दुकान है, साइड में गर्ल्स का पार्लर है जो कि अभी बंद है। और हम लोग जा रहे हैं सेकंड स्टेशनरी शॉप पे। अगर आप बैकेट चाहते हो आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। पोस्टल से रिलेटेड पोस्टल से रिलेटेड मिल जाएंगे और ये रहा मिलेगा। ये सेकंड मेंस सैलून है। यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे आलू चॉप वगैरह अवेलेबल रहते हैं और सब्जी का 5 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है।
इसके बाद दो चाय सुट्टे का दुकान है, आपको मोस्टली यहाँ पे सिगरेट पीते हुए लोग दिख जाएंगे। हम लोग एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट कैफे में। यहाँ का इंटीरियर काफी वेल डेकोरेटेड है। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर प्राइवेट एरिया है, प्रॉपर आपको बैठने का अच्छा है। आप गर्लफ्रेंड भी लेकर जा सकते हैं, आप प्राइवेसी पूरा मेंटेन रहेगा, पूरा एस्थेटिक फोटो भी रहेंगे आपके हाथ में, आपके यहाँ और प्रॉपर आपको बार बार मॉल जाएगा। नॉलोरिया लड़का लोग बहुत सारे यहाँ पे बार बार कैटरिंग से भी आते हैं, बहुत भीड़ भड़क का होता है। नेगोशिएशन प्राइस हम लोग यहाँ पे पिज्जा, स्पैगेटी बर्गर, आलू टिक्की बर्गर, चिकन बर्गर नेगोशिएशन प्राइस में देते हैं। 50 रुपये में आलू टिक्की बर्गर दे देते हैं, जो चीज़ में आलू टिक्की बर्गर, हाँ जो तो छूट के थे, भीड़ भड़ा का रहता था। अब तो कॉम्पिटिशन मार्केट है, सुबह 8 बजे से खोलते हैं, चाय कॉफी यहाँ पे लड़कियों का मैक्सिमम सामान मिल जाएगा, और यहाँ पे एक टेलर भी अवेलेबल होता है क्लोथ्स फिटिंग वगैरह के लिए। तो हम लोग अभी तिरंगा में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होता है। तो भैया से बात करते हैं अभी। रात में भी मिल जाता है। सब करता है और सिलाई का 700 रुपये लेता है, और प्रेस का कितना लगता है? प्रेस का वो तो नहीं, वो ये घर पे वो आएंगे तो प्रेस का 30 रुपये लेता है साफ करने के लिए, धोने के लिए तो साफ करने का 30 रुपये दोनों का। और क्या क्या सिलते आप यहाँ? सब सिलाता है, और जेंट्स का काम और लेडीज का काम सब बनाता है। लेडीज का काम क्या? और पैकेट डिलीवरी करते रहा साढ़े 5 से 9 बजे 10 बजे डिलीवरी करते रहा। और क्या क्या रहता है? वेज भी नॉन वेज भी नहीं है, सारा कुछ रखता है। और एक तो रेट बता दो, कॉमन ज़्यादा बिकता है उसका रेट जो है।
उधर हम लोग गेट के लेफ्ट में गए थे, अब राइट में जा रहे हैं। ये न्यू खुला है लूप्स, यहाँ पे जाओगे तो अच्छा खासा वैरायटी मिल जाएगा आपको, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। एक शॉप है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, देन अभी बहुत सारा शॉप्स और खुल रहे हैं। ये क्लिनिक है, यहाँ पे मोमोज पानी पूरी फास्ट फूड वगैरह मिल जाएगा, और नए नए दुकान और खुल रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग अब हाईवे की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग अब हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ये एक और शॉप है, यहाँ पे स्पाइरल बाइंडिंग एंड कॉपीज वगैरह मिलता है। यहाँ पे एक नाश्ते का शॉप है, और साइड में स्प्रिंग हाइट है, यहाँ पे आप रूम ले सकते हो। हम लोग का बैगेट का कुछ खत्म हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं हाईवे की तरफ। हाईवे के ठीक सामने एक ओयो है, हम लोग वहां से आए हैं, और आप रोड के उस पार जाओगे तो डीएन मॉल वगैरह के ऑटो मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पीछे बहुत सारे बसेस चल रहे हैं, तो आप बस से ट्रैवल करके भी आ सकते हो।